एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आई वॉरियर्स में क्लास टेंथ वर्कशीट नंबर सिक्सटी फाइव हम सॉल्व करने वाले हैं ये वर्कशीट आपकी फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए प्रोवाइड की गई है सामाजिक विज्ञान जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि सोशल स्टडीज़ में आपकी रिवीजन चल रही है ठीक है जैसे हमने हिस्ट्री का रिवीजन किया जोग्राफी का वैसे ही पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का रिवीजन करने वाले हैं और इसमें हमारा चैप्टर है राजनीतिक दल आपको याद होगा राजनीतिक दल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे अब इसकी पुनरावृत्ति है जिससे आपका पार्ट रिवाइज़ हो जाए तो यहाँ पे आपको पता है कि पुनरावृत्ति में आपको तीन तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं थ्री टाइप के टाइप वन वन मार्क क्वेश्चन टाइप टू टू मार्क क्वेश्चन एंड टाइप थ्री में आपके थ्री मार्क एंड फोर मार्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये पुनरावृत्ति एक है तो यहाँ पे हम वन मार्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन मार्क में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन एक लाइन में आंसर देना होता है वैसे क्वेश्चन टू मार्क के नेक्स्ट में और थ्री मार्क के उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहले मैं आपको जो टिक क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं यहीं पे टिक करा दूंगी और जो आपको आंसर लिख के बताने हैं ठीक है वो मैं आपको लिख के बताऊंगी तो शुरू करते हैं देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आपको टेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से देख सकते हैं आप आपको टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं तो जो क्वेश्चन नंबर वन टू फोर है वो तो हम टिक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव टू जो टेन है वहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं तो क्वेश्चन फाइव टू टेन इसका मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन दूंगी ठीक है इसका मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन दूंगी और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे बस आपको टिक करना है तो आप टिक कर सकते हैं उसमें कोई डाटा साइंस नहीं है ठीक है पहला क्वेश्चन है भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यता बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं कौन से स्तर पर बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं तो आपको दिया गया है ऑप्शन ए लोकसभा स्तर पर आपको फील आता है के वाला देखो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन बी राज्यसभा स्तर पर ऑप्शन थ्री विधानसभा स्तर पर और ऑप्शन डी ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन फोर है पंचायत स्तर पर तो देखिए बेटा जो लोकसभा और राज्यसभा स्तर पर होता है ना ये तो केंद्रीय स्तर है ठीक है तो पे तो राजनीतिक दल होंगे होंगे विधानसभा जो इलेक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन वो होते हैं विधानसभा तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपको पूछा है जहां पे नहीं होता तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंचायत स्तर पर तो आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है तो इसका आंसर क्या हो गया पंचायत स्तर पर फोर इज योर करेक्ट आंसर ऑल राइट आगे चले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो आपको डैश में बताना है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है बेटा तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है कमल का फूल तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे कमल का फूल क्या है कमल का फूल लोटस है ना आप देखते भी हैं बीजेपी का और कांग्रेस का क्या है अच्छा कांग्रेस का आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है तो इसका क्या हो जाएगा कमल का फूल ठीक है मैं आंसर यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूं कमल का फूल और आ, यहाँ पे ऑप्शन ये था यहाँ पे था आपका कमल का फूल थ्री में बोला है रिखांत के शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए इसी सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ है इसको ये कुछ गलत है उसको पहचानना है साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है साइकिल नहीं है घड़ी है तो साइकिल की जगह पर क्या आ जाएगा घड़ी तो साइकिल इज रॉन्ग इसकी जगह पे क्या आ जाएगा घड़ी तो घड़ी इसका सही आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार में आपको बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से दो प्राकलन दिए गए हैं एवं संकल्पना स दूसरे का कारण में से पढ़िए और सही विकल्प चुनिए तो आपको एक संकल्पना दी गई है और एक कारण बताया गया है फिर आपसे बोलेंगे कि क्या संकल्पना सही कारण है देखिए पहला बोला है विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है कारण बताया है वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है ठीक है दो चीजें दी गई हैं अब बोला गया है ए संकल्प एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्प की सही व्याख्या है ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है बी में बोला है संकल्प एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्प की सही व्याख्या नहीं है सी में बोला है संकल्पना सही है कारण गलत है और डी में बोला है कि संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि दोनों चीज़ सही है देखिए विकल्पहीनता मतलब आपके पास चॉइसेस ना होना जैसे कि आप खाने के लिए जाते हैं आपको आइसक्रीम के लिए बोला कि आपके पास चॉकलेट वाली आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी है वेनीला है तो आपके पास मल्टीपल चॉइस होती हैं आप एक चूज़ करोगे पर आप एक शॉप पर जाते हो वहाँ पर बोलेगा भाई स्ट्रॉबेरी ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या हो आपको पसंद हो नापसंद हो आपको तो तो स्ट्रॉबेरी खाना पड़ेगा तो इसी तरीके से अगर डेमोक्रेसी में विकल्प ना हो चॉइसेस ना हो पॉलिटिकल पा, पार्टीज के तो लोकतंत्र के लिए ये खतरा होगा और वंशवाद लोकतंत्र की ये विकल्पहीनता को बढ़ाता है क्योंकि जब बेटे का बेटा ही आ, बार बार आएगा तो क्या होगा चॉइसिस की कमी हो जाएगी तो ए इज द करेक्ट आंसर तो ये आपके चार क्वेश्चन हो गए बाकी मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी क्वेश्चन पांच में बोला है निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में करिए पहले मैं इस कार्टून को आपको डीप में थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहती हूँ देखिए ये कार्टून दिखाया हुआ है इस कार्टून में क्या लिखा हुआ है वन पार्टी कंट्री क्या लिखा हुआ है वन पार्टी कंट्री ऐसी कंट्री जहाँ पे एक ही पार्टी होती है और यहाँ पे आपको सीनेट दिखाया हुआ है हाउस दिखाया हुआ है हाउस मतलब क्या होता है जैसे हमारे यहाँ संसद होती है ना पार्लियामेंट वैसे ही ये दूसरी कंट्री का दिखाया हुआ है पार्लियामेंट को और ये वन पार्टी सिस्टम बोला गया है निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए इस कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए तो मैं आपको इसका रिटर्न सोल्यूशन दूंगी इसके बाद शासक दल से आप क्या समझते हैं कौन सी दलीय व्यवस्था अच्छी है दल बदल केंद्रीय सरकार और वर्तमान में दिल्ली में कौन सी सरकार है तो इसके हम रिटर्न सोल्यूशन देखेंगे उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आपके लिए है कि आपको कोविड की जंग में सुरक्षित रहने के लिए आपको दो गज की दूरी या छः फीट की दूरी बना के रखनी है और मास्क पहनना है चलिए मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता दूं। उससे पहले आप पहले दूसरे तीसरे और चौथे का आंसर समझ चुके होंगे इसका पंचायत है यहाँ पे कमल का फूल है ठीक है कमल का फूल है यहां पे घड़ी है और चौथे का आंसर ए है चलिए मैं आपको बाकी क्वेश्चंस दिखा देती हूं दिखाया था उस कार्टून को आपको एक्सप्लेनेशन करनी थी तो कार्टून में आप क्या लिखेंगे चित्र में दर्शाया गया कार्टून एक दलीय व्यवस्था को दिखाया जा गया है जहाँ विकल्पहीनता की चुनौती है एक दलीय व्यवस्था यानी कि वन पार्टी सिस्टम ठीक है विकल्प ही नहीं होगा लोगों के पास चुनाव में केवल एक ही विकल्प होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पे आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा आप उसे या तो वोट दीजिए या तो मत दीजिए आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है छे में बोला है शासक दल से आप क्या समझते हैं जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का गठन कहता करता है वह शासक दल कहलाता है जब चुनाव होता है चुनाव में जिसको बहुमत प्राप्त होता है मतलब ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं और जो सरकार बनाता है वही हमारा क्या होता है शासक दल होता है सेवन में आपसे बोला था कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता मतलब बैड माना जाता है नहीं का ध्यान रखेंगे कहीं आपने पढ़ लिया अच्छा माना जाता है तो एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसमें विकल्पहीनता की चुनौती होती है अगर एक ही पार्टी होगी तो उसमें लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोग के पास चॉइसेस हो चुनने के लिए ठीक है तो एक दलीय व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है या आपके आंसर्स हैं स्क्रीन ले सकते हैं या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम इक्वल टू मुदिता आई वॉरियर उसे क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को क्वेश्चन एट में आपसे बोला है एक दल से आप क्या समझते हैं तो एक पार्टी से चुनाव लड़ने के पश्चात चुनाव नतीजे आने पर अपनी पार्टी बदल लेना दल बदल कहलाता है दल बदल ऐसा होता है कि देखिए भैया आपने पार्टी ए ए पार्टी से आप चुनाव लड़े लेकिन जब पार्टी जीत जाती है आप पार्टी बी में पार्टी सी में चले गए ठीक है कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसमें चले गए तो ये क्या कहलाता है दल बदल कहलाता है ठीक है एंटी डिफेक्शन कहलाता है तो ये गलत चीज़ होती है क्वेश्चन नौ में आपसे बोला है केंद्रीय सरकार ने किस गठबंधन की सरकार है केंद्रीय सरकार तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम एन कहते हैं क्वेश्चन टेन में बोला है वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है तो ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी दिल्ली में रहते हैं तो वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासक दल की सरकार है और पिछली बार भी आम आदमी थी इस बार भी आम आदमी है तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं और आपको ये भी पता होगा कि ये स्थानीय दल की पार्टी है ठीक है केंद्र स्तर पर नहीं है आम आदमी पार्टी तो ये भी आप जानते होंगे यहाँ पे हमने वर्कशीट सिक्सटी फाइव सॉल्व कर ली है पुनरावृत्ति आई होप आपको राजनीतिक दल का रिवीजन करने में मज़ा आएगा और आपने जो पहले राजनीतिक दल वाली वर्कशीट्स करी थी उन्हें जाकर पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करिए रिकॉल करिए क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि आपको साथ साथ रिवीजन कराया जा रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े वीडियो को फटाफट फड़ से लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में तब तक के लिए बाय